हेलो स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो कक्षा 8 विज्ञान के लिए है। यह वीडियो विज्ञान का अध्याय 3 यानी कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित है। इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक और बारीकी से समझाया गया है। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? इसका उत्तर लिखेंगे, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला लाभ है, ये ईंधन कम प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरा, इनका परिवहन पाइपों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। तीसरा, इनका पूर्ण दहन होता है जिससे अवशेष नहीं बचता, अतः ये स्वच्छ ईंधन है। और चौथा लाभ है, कम प्रदूषणकारी होने के कारण सीएनजी का उपयोग आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? उत्तर लिखेंगे, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। पहले सड़क निर्माण में कोल तार का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 3, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्तर लिखेंगे, लाखों वर्षों पूर्व पृथ्वी पर घने वन थे। वैज्ञानिकों के अनुसार कोयला जो बनने की जो विधि है वह इस प्रकार है कि उनका मानना है कि लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घने वन थे। प्राकृतिक आपदा के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। किसी प्राकृतिक आपदा हुई पृथ्वी पर और इस प्राकृतिक आपदा के कारण बड़े बड़े वन क्षेत्र मृदा के नीचे दब गए। उच्च ताप और दाब की स्थिति में लाखों वर्षों के समय अंतराल में मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि पृथ्वी के नीचे उच्च ताप और उच्च दाब रहने की स्थिति में ये मृत पेड़ पौधे लाखों वर्षों के समय अंतराल में धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है, यानी लाखों वर्षों के समय अंतराल में मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे जो कोयले में परिवर्तित हो गए, इसी प्रक्रम को, इसी परिघटना को कार्बनीकरण कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर क, डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। रिक्त स्थानों को भरते हुए हम वाक्य को पूरा करेंगे। हम लिखेंगे, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। नंबर ख, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। नंबर ग, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डैश है। वाहनों के लिए कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषक है, वह है सीएनजी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। नंबर क, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। यह एक असत्य कथन है क्योंकि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। मृत पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी के नीचे लाखों वर्षों के समय अंतराल में ये प्राकृतिक विधि द्वारा बनते हैं, इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं, अर्थात यह एक असत्य कथन है। नंबर ख, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है।
यही एक अशक्त कथन है क्योंकि सीएनजी कम प्रदूषणकारी है जबकि पेट्रोल अधिक प्रदूषणकारी है। नंबर ग, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह एक सत्य कथन है क्योंकि कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप ही होता है। नंबर घ, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। यह भी एक सत्य कथन है। इसी प्रकार अगला कथन दिया गया है, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। यह एक असत्य कथन है क्योंकि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है और यह पेट्रोलियम का एक संगठन है जो कि एक जीवाश्म ईंधन है। प्रश्न संख्या 6, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? इसका उत्तर लिखेंगे, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी पर जीवाश्म ईंधन का भंडार सीमित है जो केवल कुछ वर्षों तक के लिए ही पर्याप्त है। हमारी पृथ्वी के नीचे जीवाश्म ईंधन का भंडार है। यह भंडार सीमित है अर्थात कुछ 100 वर्षों तक ही यह हमारे उपयोग के लिए चल सकता है। जीवाश्म ईंधनों के निर्माण में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। जैसा कि वैज्ञानिकों का मानना है कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे पदार्थ जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं और इनके निर्माण में लाखों वर्षों का समय लग जाता है, अतः हमें जीवाश्म ईंधनों का विवेकपूर्ण दोहन करना चाहिए क्योंकि यह समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। प्रश्न संख्या 7, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, कोक एक कठोर षड्यंत्र और काला पदार्थ है। यह कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अब प्रश्न संख्या 8, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। उत्तर लिखेंगे, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्री जीवों से हुआ। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हमारे पृथ्वी के नीचे जो पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार है, इसका निर्माण समुद्री जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के तले में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि समुद्र में रहने वाले जीव जब ये मर जाते हैं तो ये समुद्र के तले में जाकर जम जाते हैं और इसके ऊपर फिर रेत और मिट्टी के तहों द्वारा ढक दिए जाते हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। लाखों वर्षों के समय अंतराल में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये मृत जीवों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण हुआ है। अब प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित सारणी में 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता को वाई अक्ष पर तथा वर्ष को एक्स अक्ष पर आलेखित करिए। इस प्रश्न में हमें एक टेबल दिए गए हैं। इस टेबल में क्या दिया गया है कि सन 2004 से 2010 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को इस टेबल में दिया गया है। इन आंकड़ों को हमें ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। हमें ग्राफ ऐसा बनाना है ताकि वर्ष में कमी प्रतिशतता को वाई अक्ष में रखेंगे और वर्ष को एक्स अक्ष में रखेंगे। तो आइए देखते हैं टेबल में क्या दिया गया है। प्रश्न में जो टेबल दिए गए हैं इसमें लिखा है 2004 में कमी प्रतिशत है 7.8, 2005 में 8.6, 2006 में 9.0, 2007 में 9.5, 2008 में 9.9,
2009 में 11.2 और 2010 में कमी प्रतिशत दिया गया है 10.0। इस टेबल में दिए गए आंकड़ों को हमें ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आइए इसका हम उत्तर लिखते हैं और ग्राफ बनाते हैं। पहले हम एक ग्राफ पेपर लेंगे जिसमें कमी प्रतिशत को y अक्ष में प्रदर्शित करेंगे और वर्ष को x अक्ष में प्रदर्शित करेंगे। अब जो टेबल में हमने देखा उस टेबल में दिए गए आंकड़े को हमें ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। जैसा कि अभी हमने टेबल में देखा वर्ष 2004 में जो कमी प्रतिशत है वह है 7.8 यानी 7.8 और 2004 को आपस में मिलाते हुए एक बिंदु हम डालेंगे। इसी प्रकार वर्ष 2005 में जो कमी प्रतिशत है वह है 8.6 तो इसी प्रकार 8.6 और 2005 वर्ष को आपस में मिलाते हुए एक बिंदु डालेंगे। इसी प्रकार 2006 में जो कमी प्रतिशत दिया गया है वह है 9.0, 2007 में 9.5, 2008 में 9.9, 2009 में 11.2 और 2010 में 10.0। अब इन सारे बिंदुओं को हम मिलाते हुए ग्राफ खींचेंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब हमारा पूरा हो गया। हमने टेबल में दिए गए आंकड़ों को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर लिया। स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को हमने समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए वीडियोस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय।